हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है रियलमी स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब रियलमी का जो स्मार्टफोन काफी अच्छे तरीके से शानदार तरीके से आपको प्रोवाइड करते हैं, काफी अच्छे तरीके से आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं रियलमी का जो स्मार्टफोन आता है, मतलब क्या है कि 6 GB रैम के साथ 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी रियलमी का। रियलमी के कौन कौन से स्मार्टफोन जो कि आपका 6 GB के साथ 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे हम बात करने वाले। तो मैं सिर्फ 3 फोन ही लेकर आई हूँ, तो आपका प्राइस मतलब एक साथ में देखने नहीं मिलने वाले, प्राइस ऊपर नीचे वाला देखने को मिलने वाली है, सेम प्राइस के साथ नहीं देखने को मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग सा होने वाली है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वैसे आप देखिएगा। तो यहाँ पे मुझे पहला स्मार्टफोन जो निकल कर दिया वो है रियलमी 8S 5G वाला स्मार्टफोन है। तो ये आपको क्या है कि 6 GB रैम के साथ 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। तो साथ ही साथ ये एक्सपेंडेबल भी है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज एक्सपेंडेबल भी है। उसके साथ ही साथ आपको स्क्रीन साइज में 6.5 इंच में आपको फुल HD डिस्प्ले के साथ साथ आपको 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। तो उसके बाद आपको 64 MP में आपको कैमरा सेटअप, मतलब 64 MP वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप में यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो साथ ही साथ आपको क्या है कि 64 MP +2 +2 MP मतलब मैक्रो भी है, डीप भी आपको मिल जाते हैं। तो 16 MP मतलब 16 MP में आपको सेल्फी देखने को मिल जाते हैं। तो साथ ही साथ आपको MediaTek का डायमंड सिटी का प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं, डायमंड सिटी 810 5G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। आपको 5000 mAh बैटरी के साथ 33W का फास्ट चार्जर के साथ ये देखने को मिल जाते हैं। एंड्रॉइड 11 वर्जन में देखने को मिल जाते हैं, आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या ना कि आपको 6 GB के साथ 128 GB स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। ये मिनिमम आपको 18,000 के आसपास ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन मैं लेकर आई हूँ तो ये काफी अच्छा है, रिव्यू वगैरह भी काफी अच्छा है, और ये सेम प्राइस के साथ देखने को नहीं मिलने वाली है। जो तीनों के दिनों ये 18,000 का है, और भी देख सकते हो और कितने प्राइस के आते रहते हैं, तो अंडर वाला मैं नहीं लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरे नंबर का जो स्मार्टफोन है वो है रियलमी नेचुरल 30 वाला स्मार्टफोन है। रियलमी नेचुरल 30 जो स्मार्टफोन है उसमें क्या क्या फीचर, ऑब्वियसली आपको 6 GB के साथ देखने को मिल जाएंगे, 6 GB के साथ 128 GB स्टोरेज, और स्टोरेज एक्सपेंडेबल भी है। तो साथ साथ 6.5 इंच में फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। आपको 48 MP में ट्रिपल कैमरा सेटअप, मतलब 48 MP +2 MP मतलब मैक्रो डीप देखने को मिल जाते हैं। 16 MP में आपको सेल्फी देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छा है, और डायमंड सिटी का हेलियो जी जो 95 प्रोसेसर के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। तो साथ ही साथ आपको क्या है 5000 mAh बैटरी के साथ साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो ये मिनिमम आपको 15,000 के आसपास देखने को मिल जाएंगे। तो बोला था ना आपको सेम प्राइस में देखने को नहीं मिलने वाली है स्मार्टफोन। तो ये लिस्ट का जो तीसरे नंबर पे, मतलब लास्ट नंबर पे जो है वो है रियलमी 8 वाला। तो रियलमी 8 में क्या क्या फीचर्स है, ऑब्वियसली आपको 6 GB रैम के साथ 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ स्क्रीन साइज में 6.5 इंच में फुल HD के साथ LCD भी डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर के साथ ये स्मार्टफोन मिल जाते हैं। तो साथ साथ आपको कैमरा सेटअप क्या होने वाले, कैमरा सेटअप में 64 MP 8 MP मतलब क्वाड कैमरा सेटअप, 4 कैमरा सेटअप होने वाली है। 16 MP में आपको सेल्फी मिल जाएंगे। तो 5000 mAh बैटरी के साथ 30W का फास्ट चार्जर में देखने को मिल जाते हैं। तो ये तीनों के तीनों आपको 6 GB रैम के साथ 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएंगे, जो भी रियलमी का स्मार्टफोन है। तो रियलमी का स्मार्टफोन काफी अच्छा है। तो ये तीनों के तीनों में आपको काफी अच्छे फीचर्स के साथ देखने को मिल जाते हैं। स्क्रीन साइज काफी अच्छी है, कैमरा सेटअप काफी अच्छे, बैटरी बैकअप तो जबरदस्त वाला देखने को मिल जाते हैं, काफी अच्छे है। तो ये आपको 18,000 के आसपास देखने को मिल जाएंगे, काफी अच्छे तरीके से स्मार्टफोन मिल जाएंगे। अगर कुछ खरीदना चाहते हो तो इन तीनों से, और मतलब तीनों में से कौन सी भी एक को खरीदना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप रिव्यू वगैरह भी जरूर चेकआउट कर सकते हो। मैंने रिव्यू वगैरह चेकआउट करके ये स्मार्टफोन लिया है। तो लेना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा,
पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएंगे। तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सी स्मार्टफोन अच्छी लगी या फिर लेना चाहते हो, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ, तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।